हरजस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हरविंदर सिंह अज की खबर के स्वागत करदा जी। खबर आ रही है जी डेरा बसी फैक्ट्री दे विच कैमिकल दा ड्रम फटन कारण इलाके दे विच गैस फैल गई। 2 किलोमीटर तक गैस फैलन दे कारण लोगों नूं साह लैण दे विच तकलीफ आ रही है। की है पूरा मामला? डेरा बसी बरवाला रोड से स्थित सौरव कैमिकल फैक्ट्री च अज शुक्रवार सवेरे ज़ाइलीन नां दे कैमिकल दा ड्रम फट गया, जिस कारण इलाके दे विच गैस की बदबू फैल गई अते लोकां नूं साह लैण दे विच तकलीफ आई। सौरव कैमिकल फैक्ट्री दे विच अज सवेरे ज़ाइलीन नां दे कैमिकल दा ड्रम फट गया, इस कारण इलाके दे विच जिस कारण लोकां नूं साह लैण दे विच तकलीफ अते अखां दे विच जलन की शिकायत होण लगी। गैस लीक होने तो बाद नेड़ले GBP होम्स अते होर सोसाइटियां दे वसनीक बाहर आ गए। उन्हें इस संबंधी मौके पर पुलिस को सूचना दी। इस तो बाद थाना मुखी डेरा बसी जसकमल सिंह सेखों अते फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां उत्थे मौके पर पहुँच गई। इस मौके पर पहुँचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कैमिकल के प्रभाव को घट करने लिए इस ते पानी की वर्खा की, पर विभाग के कर्मचारी इन्ना ज़्यादा पानी पा रहे सन उन्नी ही तेजी नाल गैस के ड्रम चों धुआं निकलन लगा, इस कारण गैस हवा की दिशा वल फैलन लगी। थाना मुखी जसकमल सिंह सेखों ने दसिया कि फैक्ट्री प्रबंधकों को पुछन से पता लग्या कि रात करीब 11 बजे फैक्ट्री के विच ज़ाइलीन नामक कैमिकल का ड्रम फट गया सी। इस कारण इलाके दे विच गैस की दुर्गंध फैलन कारण लोगों नू साह लैण दे विच तकलीफ अते अखां दे विच जलन होण लगी। ये ड्रम अचानक फट गया, पर शुक्र है कि कैमिकल घातक ना होण कारण कोई जानी नुकसान नहीं होया। गैस कारण साह लैण दे विच दिक्कत होण कारण लोग घबरा के घरां तों बाहर आ गए। फैक्ट्री प्रबंधकां अनुसार फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे बाद इस ते काबू पाया। दस दिने आ कि इस तों पहलां लुधियाणा दे ग्यासपुरा इलाके दे विच वी एक गैस लीक दा मामला आया सी, जिस विच 11 लोकां दी मौत हो गई सी अते होर कई गंभीर हालत दे विच हस्पताल विच दाखल कीते गए सी। उस तों बाद विच एक होर गैस लीक मामला जिहड़ा हैगा उह डेरा बसी दे विच सुणन नूं मिलिया। फिलहाल इस गैस लीक मामले दे विच किसे दे वी जानी नुकसान दी कोई खबर नहीं है, पुलिस वल्लों तफ्तीश की जा रही है। धन्यवाद।